हेलो फ्रेंड्स मैं उदित इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा कीवर्ड्स की तो देखते हैं मेटा कीवर्ड्स क्या होता है तो मेटा कीवर्ड्स की बात करें तो पहले आपको एक बात बताऊं कि जो मेटा टैग्स के अंदर एक तीसरा मेटा टैग है जिसको मेडा की वर्ड्स टैग बोलते हैं इसको गूगल रैंकिंग में कंसिडर नहीं करता ना ही ये कहीं वेबसाइट पर दिखता है ये सिर्फ हेड सेक्शन में डलता है और कोई यूज़र तो हेड सेक्शन में जाएगा नहीं ठीक है तो बेसिकली मेटा कीवर्ड्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या लिखी हुई है कि ये एसटीमएल कोड में आता है वेब पेज के और ये सर्च इंजन को बताता है कि पेज का टॉपिक क्या है बताता है और बताता था लेकिन गूगल अब उसको कंसिडर नहीं करता ठीक है ना मेरा कीवर्ड्स आर डिस्टिंग फ्रॉम रेगुलर कीवर्ड बिकॉज दे अपीयर बिहाइंड द सीन्स मतलब दिखता नहीं है यूजर को इन द सोर्स कोड ऑफ योर पेज रादर देन ऑन द लाइव फिजिकल पेज इट्स दे लुक लाइक दिस ठीक है जैसे टाइटल डलता है अभी मैं डाल के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तो टाइटल मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा कीवर्ड्स ठीक है ना तो ये कुछ टैग्स होते हैं जो पेज के हेड सेक्शन में जाते हैं तो वो हम एक वीडियो में करेंगे सेपरेट मेडर कीवर्ड्स वर डीवैल्यूड बाय गूगल बिकॉज दे वर अब्यूज बाय साइट ओनर्स एंड मार्केटर्स अब साइट ओनर्स कैसे अब्यूज़ करते थे जैसे ए डॉट कॉम है बी डॉट कॉम है सी डॉट कॉम है तो ए डॉट कॉम वाले ने अपने मेटर कीवर्ड्स के अंदर क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं दिखना तो है नहीं और गूगल इसको कंसिडर कर रहा है वो बी डॉट कॉम सी डॉट कॉम डी डॉट कॉम ई डॉट कॉम अपने मेटर कीवर्ड्स सेक्शन में डालता था और बहुत बार ठीक है ना तो जब गूगल उसकी साइट पर आता था उसको दिखता था बी सी डी सब लिखा हुआ है तो जब भी कोई बी के बारे में सर्च कर रहा है सी के बारे में डी के बारे में ई e के बारे में तो ए की साइड भी आ रही है साथ में तो ऑब्वियसली बी सी डी ई का ऑब्जेक्शन तो होगा यार मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं तो ए e क्यों आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने मेटा डिस्क्रिप्शन में मेटा की में आपके बारे में मैंशन किया हुआ है तो ये तो बात हो गई कि जो साइट ओनर्स थे इसका अंड एडवांटेज लेते थे ठीक है जैसे अगर आजकल के में भी होता तो हम क्या करते हैं जैसे मैं बात करूं तो मैं अपने सारे कॉम्पिटेटर्स के नाम डाल देता था ई कॉमर्स वाले फ्लिपकार्ट अपने कॉम्पिटेटर्स का नाम डाल देता था नाइन्टी नाइन एकर्स अपने कॉम्पिटेटर्स के नाम डाल देता तो कंप्यूटर के बारे में भी कोई सर्च करता तो उनकी साइट भी आती तो ये एक एडवांटेज ले रहे थे मेटा की वर्ड्स से जो अब नहीं मिलेगा दूसरी चीज़ मार्केटर इसको कैसे एडवांटेज ले रहे थे गूगल जैसे स्टार्टिंग में जब भी यूजर ने कोई कीवर्ड डाला वो देखता था कि किस साइड में वो कीवर्ड है और कितनी बाहर है तो मेटा कीवर्ड्स को वो यूज़ करते थे कीवर्ड स्टफिंग के लिए बड़े बड़े पैराग्राफ्स में कीवर्ड्स भर भर के डाल देते थे जैसे एक एग्जाम्पल मैं पहले दिखा चुका चुकूँ एक एग्जाम्पल मैं अभी फिर से दिखाऊंगा आपको वही सेम साइट है पिक्सल्स इन्फोटेक और जैसे टाइटल में हमने देखा कि 55 फाइव टू सिक्सटी कैरेक्टर्स की लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन में 155 फिफ्टी फाइव टू वन की होती है और कीवर्ड्स में 10 टू 12 वर्ड्स की लिमिट होती है लेकिन अब यहाँ देखोगे कि उसको अब यूज़ किया हुआ है स्पैम किया हुआ है एक्सेस में यूज़ किया हुआ है तो ये तो आपका टाइटल है जो कि फ़िफ्टी टू सिक्सटी कैरेक्टर्स लगभग इतना होना चाहिए था इतना ये इतना बड़ा लिया हुआ मेटा की वर्ड्स टू ट्वेल्व वर्ड्स होना चाहिए था एक लाइन का इतना बड़ा और इनफैक्ट ये भी मेटा की आपको यहाँ दिख रहा है और सेम वे यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ है तो दो बार मेटा की फिर मेटा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वन फिफ्टी फाइव टू वन सिक्सटी करेट लगभग इतना होना चाहिए इतना लेकिन ये भी लिया हुआ है इतना बड़ा तो बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग की हुई है तो इसी वजह से गूगल ने इसको कंसिडर करना बंद कर दिया ठीक है तो इसलिए मेटा की अब गूगल सर्च में आप किसी टाइप की हेल्प नहीं कर सकते लेकिन अदर सर्च इंजन ने अभी ऐसा नहीं बोला कि हम कंसिडर नहीं करेंगे तो अदर सर्च इंजन्स के लिए आप कज़्यूम कर सकते हो कि इसको अभी भी वेटेज दे रहे होंगे तो आप यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको पता है इंडिया है तो मेजोरिटी हम गूगल पे सर्च करते हैं एज अ यूज़र बात करूं तो एडवर्टाइज़र का फोकस सिर्फ गूगल सर्च में टॉप पे आने पे होता है याहू, बिंग। उन सब पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते द तो मेडा कीवर्ड टैग इज़ यूजलेस नाउ अ डेज विद रिगार्ड टू तो गूगल राइट येट

So we had an interesting question from someone who just asked me, uh, "How much do you use the keyword or keywords meta tag uh, in your main search results?" And the answer is basically not at all. So let's talk about that in a little more detail because sometimes people file lawsuits. You know, Alice has alice.com and Bob has bob.com, and maybe Bob takes Alice's name and puts it in the keyword meta tags, and then Alice sees that and she gets really angry, and she, you know. Talks to Bob and maybe sues Bob and all that sort of stuff. Well, how much should Alice be worried about you know, Bob using that one term, Alice, in the keywords meta tag? The answer is we don't use the keywords meta tag in our search ranking. Um, other search engines might, but Google doesn't. Now, we do use some meta tags for the Google search appliance, so you can specify only return results if they match a meta tag and things like that. But for our main core web search, whenever we look at the keywords meta tag, we say, you know what? Too many people have spammed that too much. We really just don't use this information at all. Now, that's not to say we don't use any meta tags. For example, there's one called meta description. And oftentimes, if you have a good meta description tag, we will use that information or part of that information in our snippet. So, if we're going to return alice.com and your meta description is something really useful, we might show that as the snippet in the search result. But if you're looking at the keyword meta tags, we really don't use that at all. So don't bother to get frustrated if somebody else is using your name and the keyword meta tags. Uh, it's really not worth suing someone over because, at least for Google, we don't use that information in our ranking even the least little bit. So this video basically, I showed you for confirmation that whatever I'm talking about here and whatever is written accurate. So Google spam head, Mr. Madcuts, he made a video a few years ago. तो उसमें उन्होंने भी क्लैरिफाई किया था कि गूगल यूज़ नहीं करता अदर चीज सीजेस में भी यूज़ करते होंगे तो ठीक है तो उनके लिए आप डाल सकते हो लेकिन अगर आप डालते भी हो तो गूगल उसको कंसिडर नहीं करेगा रैंकिंग के अंदर और अगर आप सबका तो फोकस सिर्फ गूगल में अगर तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो चल जाए ठीक है तो, तो दिस इज़ बेसिकली मेटा की जो गूगल तो कंसिडर नहीं करता तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि डालना कि नहीं डालना अगर फिर भी डालना है तो क्योंकि इसका नाम ही मेटा की तो जो भी हमने कीवर्ड्स अभी तक करें उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे ही हमने लिस्ट पर काम किया था तो यहाँ पे हमने मेरा टाइटल बनाए थे मेरा डिस्क्रिप्शन बनाया था अब मेटा कीवर्ड्स बनाते हैं तो ये जो आपके कीवर्ड्स हैं इन्हीं को यूज़ करना है आपने सिंपली। रनिंग शूज़ जैसे मैंने एक टाइटल बनाया था उसमें भी मैंने कीवर्ड्स यूज़ किया था तो रनिंग शूज़ रनिंग शूज़ फॉर मैन रनिंग शूज़ लो प्राइस रनिंग शूज़ ऑनलाइन ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन वो टेन टू वर्ड्स होने चाहिए तो ये एक तरीका हो गया करने का दूसरी लिस्ट पे आते हैं सेम की वर्ड्स कॉपी पेस्ट करना है। वेडिंग टो ग्राफर्स डेली वेडिंग टो फी इन दिल्ली प्रोफेशनल वेडिंग ट्राफर्स ऐसे डाल सकते हैं नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग तो इसको भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली वर्ड्स तो यही होगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग बस इतने डालते हैं तो ये बेसिकली मेरा कीवर्ड डालने का ये तरीका है आपके जितने भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हो तो हाउ टू लूज बेटा तो रिड्यूस बेली फैट लूज belly fat and reduce tummy ठीक है फिर lose belly fat naturally ऐसा कुछ ले सकते हैं फिर

देना है या नहीं देना देना है तो सिंपल तरीका है जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया होनी उसे जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आप दे सकते हैं अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं सो so, इस वीडियो में इतना ही श्रींदा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू